हेलो चिल्ड्रेन होप यू ऑल आर फाइन दिस इज़ अंजुम शेख टीचर वर्किंग एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डूडा ब्लॉक धरसीमा डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़ सो चिल्ड्रेन डू यू लाइक टू लिसन स्टोरीज़ आपको कहानियाँ सुनना पसंद है डेफिनेटली सभी बच्चों को स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं सो हैव यू लिस द स्टोरी ऑफ एलिस क्या आपने एलिस की स्टोरी सुनी है एलिस इज अ ब्यूटिफुल गर्ल शी ऑलवेज ड्रीम्ड वह हमेशा स्ट्रेंज यानी कि अजीब सपने देखती थी और एलिस इन वंडरलैंड टूडे वी आर गोइंग टू रीड अ लेसन फ्रॉम क्लास सिक्स लेसन नंबर फाइव एलिस इन वंडरलैंड तो एलिस जो सपने अजीब सपने देखती थी स्ट्रेंज उन ड्रीम्स का यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट एलिस इन वंडरलैंड वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड एलिस एक बार की बात है कि एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम एलिस था

अजीब एक पहली बात हुई थी जो उसके सपने में हुई थी अ वाइट रैबिट केम रनिंग बाय इन अ ग्रेट हरी एज इट पास एलिस इट इज स्टॉप्ड एंड टूक हिज वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट अ वाइट रैबिट एक सफेद रैबिट वो दौड़ता हुआ आया बहुत जल्दी में ग्रेट हरी यानी बहुत जल्दी में दौड़ता हुआ आया होकर गुजरा इट इज स्टॉप यह रुक गया एंड टूज ऑफ हिस्स पॉकेट और अपनी पॉकेट से उसने एक वॉच निकाली घड़ी सीन अट है आपने कभी किसी रेबिट को देखा है जिसके पास वॉच हो ओ जी याल बी टू लेट सेट द रेबिट रैबिट जो है वो वॉच पॉकेट से निकालता है और वॉच को देखते हुए बोलता है ओ डियर ओ डियर ओ प्रिय ओ प्रिय आज मैं बहुत लेट हो जाऊंगा रैबिट ने कहा क्योंकि ये एलिस का स्ट्रेंज ड्रीम है तो इसमें कुछ भी हो सकता है एलिस हॉर्ड एंड वॉच्ड द रैबिट एंड रन आफ्टर इट एलिस ने सुना और उसने रैबिट को देखा और उसके पीछे दौड़ने लगी She wanted to see where the rabbit was going. वह देखना चाहती थी कि rabbit कहाँ जा रहा था। She followed the rabbit and tumbled down into the rabbit hole. Follow means होता है बच्चों पीछा करना and tumble means होता है ऊंचे स्थान से नीचे गिरना। So she followed the rabbit. उसने rabbit का पीछा किया and tumbled down into the rabbit hole. और ऊंचे स्थान से नीचे लुढ़क कर रेबिट होल में गिर गई रेबिट होलबिट जहाँ पर रहता है There she fell fast asleep. और वहां पर वह थोड़ी देर के लिए सो गई कैन यू इमेजिन हाउ सेफ एंड कोजी इट वॉज कोजी मीन्स होता है आरामदायक और सेफ मीन्स सुरक्षित तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह से ऊंचे स्थान से नीचे की ओर लुढ़क कर गिरना सुरक्षित कितना सुरक्षित और आरामदायक होगा नो no. कई बार ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर गिरने पर हमें गंभीर चोट लग सकती है so, after some time, कुछ समय के बाद she suddenly woke up, वह अचानक जाग गई जम्पन टू फीट एंड रन आफ्टर द रेबिट अगेन और उछल कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और फिर से रैबिट के पीछे दौड़ने लगी बट देर वॉज नो रेबिट लेकिन वहां पर रेबिट नहीं था रैबिट कहा गया होगा बच्चों देखते हैं। He, she found herself बिग हॉल उसने अपने आप को एक बड़े से हॉल में पाया और उस हॉल के चारों तरफ बहुत सारे डोर्स यानी कि दरवाजे थे ऑल द डोर्स वर लॉक्ड Locked means होता है बच्चों बंद सारे जो डोर्स थे वो लॉक्ड थे कुडंट गेट आउट ऑफ द हॉल इसलिए वह हॉल से बाहर नहीं जा सकती थी देयर वाज अ लिटिल टेबल लुक एट पिक्चर वहां पर एक छोटा सा टेबल या मेज रखा हुआ था इन द मिडिल ऑफ द हॉल हॉल के बीचों बीच में एक छोटा सा मेज या टेबल रखा था लिटिल की वॉज लेन दोटी सी की रखी की हुई थी अनलॉक दाबी उठा लिया एंड ट्राई टू अनलॉक अनलॉक मीन्स होता है बच्चों खोलना क्योंकि सारे डोर्स लॉक्ड थे तो उसने वो की उठाई और उन सारे डोर्स को अनलॉक करने की खोलने की कोशिश करने लगी शी ट्राई टू ओपन देम वन वन बाय एंड व्हेन शी केम टू द लास्ट लिटिल डोर इट गॉट ओपन उसने सभी दरवाजों को एक के बाद एक खोलने की कोशिश की लेकिन कोई भी दरवाजा उसे नहीं खुला शी कुड डाउन टू जस्ट पीप थ्रू द डोर एंड She saw a beautiful garden outside. Bend down means होता है बच्चों नीचे और means She could bend down to just peep. अपने दोनों घुटनों से नीचे झुक कर बाहर की ओर सिर्फ झांक सकती थी थ्रू द डोर उस दरवाजे से क्योंकि वो छोटा सा दरवाजा था एंड शी इज ऑ ब्यूटिफुल गार्डन आउटसाइड और उसने बाहर की ओर एक बहुत ब्यूटिफुल खूबसूरत सुंदर सा गार्डन बगीचा देखा बट शी वो दरवाजा छोटा था मीन्स छोटा तो वह उस छोटे से दरवाजे से बाहर नहीं जा सकती थी शी बिकेम वेरी सैड वह बहुत उदास हो गई शी लॉकड द डोर एंड वेंट बैक टू द टेबल उसने डोर को फिर से लॉक कर दिया और वापस की जो है वो टेबल पर रख दी और जाकर टेबल के पास चली गई की the चाबी वहाँ रख दी शी a स्मॉल बॉटल विथ अ लेबल ड्रिंक me. लेबल का मीनिंग होता है वस्तु पर लगाई गई जानकारी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें लेबल लगा रहता है और उसमें उसके बारे में जानकारी दी गई होती है सो बच्चों शी सॉ ए स्मॉल बॉटल उसने मेज पर टेबल पर एक छोटी सी बॉटल देखी विथ अ लेबल ड्रिंक में उस बॉटल में लेबल लगा हुआ था ड्रिंक में मुझे पी सकते हो या मुझे पी जाओ फिर क्या हुआ होगा देन आफ्टर शी टेस्टेड इट उसने उस बॉटल को उठाकर उस ड्रिंक को टेस्ट किया एंड डू यू नो वॉट हैपन टू हर और आपको पता है कि अब उसे क्या हुआ लेट्स इमेजिन बच्चों क्या हुआ होगा जब हम स्टोरी सुनते हैं तो हमको क्यूरियोसिटी होती है कि इसके बाद और क्या हुआ होगा चलिए देखते हैं शी गॉट स्मालर एंड स्मालर एंड स्मालर टिल एट लास्ट शी वाज जस्ट द साइज ऑफ अ लिटिल डॉग स्मालर मींस होता है बच्चों अधिक छोटी मतलब पहले जो साइज की थी उससे और अधिक छोटी ये कंपैरेटिव डिग्री का एक फॉर्म है तो शी got smaller and smaller and smaller वह पहले से भी छोटी हो गई और छोटी हो गई और बहुत ही छोटी हो गई टिल एट लास्ट शी वाज जस्ट द साइज ऑफ अ लिटिल डॉल और अंत में वह एक छोटी सी डॉल डौ, डॉल मींस गुड़िया जिससे कि आप खेलते हो है ना बच्चों तो एक छोटी सी डॉल के साइज की हो गई शी वाज हैप्पी नाउ अब वह खुश हो गई क्यों She ran to the door, दौर कर उस डोर के पास गई जो सबसे छोटे था, था, क्योंकि उसने वापस डोर बंद करके की जो है वो टेबल पर रख दी थी देन शी रेन बैक फिर वह वा वापस दौड़ी बट why वाई डिड शी sad? बच्चों क्योंकि जब वो उस डोर से बाहर नहीं जा सकी थी तो उसने क्या किया था डोर को लॉक करके कि वो वापस टेबल पर रख दिया था और इस वजह से वह बहुत ज्यादा क्या हो गई दुखी हो गई उदास हो गई क्योंकि वो अब उस टेबल से बहुत छोटी हो गई थी तो उसका हाथ टेबल तक पहुँचेगा नहीं दैट्स वाई शी वॉज सैड अगेन इसलिए वह फिर से उदास हो गई So, बच्चों ये एक स्टोरी की सीरीज है और इसका सेकेंड पार्ट आप सेवेंथ क्लास के लेसन फाइव में आगे पढ़ेंगे तो तब तक आपको क्यूरियसिटी बनी होगी अब हम एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं ओके ड्रॉ द थिंग्स इन द बॉक्स दैट एलिस सॉ ऑन द टेबल इन द हॉल जब वो हॉल में एक टेबल देखती है तो उस टेबल में कौन कौन सी थिंग्स होती है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है द पिक्चर मैंने किया की, की थी okay, children, आपको भी करना है करेक्ट आंसर वन आफ्टर एलिस चम्बल्ड इन टू द रेबिट होल शी जब वो लुढ़क कर रेबिट होल में गिरती है तो वह ए

एंड शी कूडेंट गो थ्रू द टीनी डोर तो वह बाहर क्यों नहीं जा सकी क्योंकि दरवाजा बहुत छोटा था सो द राइट आंसर इज डी शी कूडेंट गो थ्रू द टीनी डोर ओके चिल्ड्रेन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दर्ड्स यूज इन द स्टोरी फॉर अ स्मॉल आर इस स्टोरी में स्मॉल यानि छोटा के लिए कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं तो दैट्स आर द वर्ड्स यूज इन द स्टोरी फॉर अ स्मॉल आर टिल एंड टी ये दो वर्ड्स यूज हुए हैं नेक्स्ट इन एलिस ड्रीम एवरीथिंग वॉज स्ट्रेंज गिविन बिलो आर समर्स राइट दर्ड्स रिलेटेड टू दिंड्स फॉर द पिक्चर्स वन ऑफ दम इज डन फॉर यू एलिस जो ड्रीम देखती है वो बहुत अजीब रहता है स्ट्रेंज रहता है तो यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हुई है आपको उस पिक्चर से रिलेटेड कुछ हिंट्स दिए गए हैं और एक्सरसाइज में से पहला आपके लिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बनाकर बताया गया है लुक एट इन द पिक्चर वन देर इज अ रैबिट सो द कलर ऑफ द रेबिट वाइट एंड कैप्ट इन इज पॉकेट रैबिट का कलर व्हाइट था और उसने अपने पॉकेट में क्या रखा था वॉच जस्ट लाइक दिस इसी तरह से लुक एट दिक्चर सेकेंड इट इज अग रूम बिग रूम को हम क्या बोलते हैं हॉल तो यहां पर हॉल आएगा वुडन फर्नीचर उस बिग रूम में हॉल में कौन सा फर्नीचर रखा था टेबल तो यहाँ पर टेबल आएगा ठीक है बच्चों आउट साइड द हॉल हॉल के बाहर क्या था गार्डन वो टीनी डोर से झांक कर देखती तो उसको एक ब्यूटीफुल गार्डन दिखता है बाहर की ओर लॉक्ड और उस हॉल के चारों तरफ क्या थे डोर्स जो कि लॉक्ड थे तो यहाँ पर आएगा डोर नेक्स्ट पिक्चर इज देर इज अ टेबल फॉर ड्रिंकिंग टेबल में पीने के लिए क्या रखा था एक बॉटल और फॉर ओपनिंग द डोर्स एक की रखी थी जब हम अनलॉक करते डोर को तो हम उससे की से करते तो वहां पर एक बॉटल और एक की रखी थी नेक्स्ट टेक द सिचुएशंस वेन एलिस वॉज हैप्पी और सैड गिवेन आर सम सिचुएशन यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी गई है कब एलिस जो थी वो हैप्पी हुई थी और कब वो सैड हुई थी तो ये यह आपको यहाँ पर उस पर टिक करना है शी फेल इन टू द रेबिट्स होल वह रेबिट होल में गिर गई तो वो हैप्पी हुई कि सैड हुई वो हैप्पी हुई क्योंकि उसको लगा कि वो रैबिट के घर में पहुंच गई और गिरकर वो थोड़ी देर के लिए सो गई नेक्स्ट शी कूडेंट ओपन द डोर जब उस वह डोर नहीं खोल सकी सो सैड वह उदास हो गई थी तो so, इसमें सैड में, में टिक करेंगे आप नेक्स्ट शी ओपन द टीनी डोर सो यहां पर हैप्पी होगी क्योंकि जब उसे डोर खुल जाता है तो वह बहुत हैप्पी हो जाती है नेक्स्ट शी कुड नॉट गेट आउट ऑफ द टीनी डोर डोर तो खुल जाता है लेकिन जब वो उससे बाहर नहीं निकल सकती तो वो सैड हो जाती तो आप सैड में टिक करेंगे ओके नेक्स्ट शी कुड नॉट गेट टू द की ऑन द टेबल वह जब टेबल पर रखी हुई की तक उसका हाथ नहीं पहुंचता है तो वो क्या हो जाती है अगेन सैड हो जाती तो आप सैड में टिक करेंगे एंड द लास्ट शी गॉट ए स्मॉलर लाइक अ लिटिल डॉल जब वह बहुत छोटे साइज की हो जाती है एक डॉल के साइज की तो वो क्या होती है शी वॉज हैप्पी क्योंकि उसको लगता है कि वो इस उस टीनी डोर से बाहर जा सकती है नेक्स्ट लुक एट द दिक्चर थिंक अबाउट द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड द वर्ड फॉर द पिक्चर इज इन ब्रैकेट्स देन राइट द न्यू वर्ड्स इन द बॉक्सेस एज गि इन द एग्जाम्पल यू विल नीड ऑनली टू लेटर्स फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड आपको यहाँ पर पिक्चर दी हुई है और वहां पर स्पेलिंग्स दी हुई है आपको उन स्पेलिंग्स को लेकर पिक्चर के अकॉर्डिंग और हिंट के अकॉर्डिंग जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको स्पेलिंग्स को मिलाकर एक नया वर्ड क्रिएट करना है सो वन इज डन फॉर यू पहला जो है एग्जाम्पल आपके लिए बना दिया गया देखिए डी आर द पिक्चर पिक्चर में क्या है ड्रम तो ड्रम से स्पेलिंग लिया गया है ड्रम के स्पेलिंग में से दो वर्ड लिया गया है डी आर और ई e एम आपको उसमें ऐड करना है सो so, यहाँ पर एक न्यू वर्ड जो है वो फॉर्मेट होगा ड्रीम है ना बच्चों ऐसे ही आगे देखिए नेक्स्ट पिक्चर इज देर इज ए स्टार वहां पर क्या है स्टार तो स्टार से हमने ले लिया फर्स्ट दो लेटर एस टी और उसमें ऐड करना है आर ए एन जी ई सो हियर इज अ न्यू वर्ड स्ट्रेंज स्ट्रेंज वर्ड आपने पढ़ा है लेसन में नेक्स्ट पिक्चर इज फॉक्स फॉक्स से हमने फिर तो, दो लेटर ले लिया एफ एंड ओ उसमें हमने एल एल ओ डब्ल्यू एड किया सो हेयर इज अ न्यू वर्ड फॉलो फॉलो यानी पीछा करना अपने स्टोरी में पढ़ा है नेक्स्ट पिक्चर इज इंक पॉट इंक पॉट का हमने दो लेटर ले लिया आई एन और उसमें हमने टी ई आर ई एस टी आई एन जी एड किया सो हेयर इज अ न्यू वर्ड इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर ये वर्ड आपके लेसन में आया है एंड द लास्ट इज कॉम कॉम यानी कंगी होता है आप पिक्चर में देख सकते हैं तो हमने कॉम से दो लेटर ले लिया सी ओ और उसमें हमने एस वाई एड किया सो हियर इज ए न्यू वर्ड कोजी कोजी यानी आरामदायक नाम, so, सो बच्चों होप आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी गुड बाय सी यू सोम